मुझे बताएं कि आप मतलब किसी नून लिखी रहनुमा से या कहीं अप्रोच नहीं करते कि भाई मेरे बालों का मसला बना? हाँ जी, जाती उम्र काफी बढ़ गया, मैंने उन लोगों को कहा कि बुला ले इनको वापस, ये आएंगे तो मैं बाल अपने कटवा सकूंगा, लेकिन वो भी बस टाइम पे टाइम ले ही जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ मैं अरुण महमूद हूं MYK न्यूज के साथ और ये भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई को जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी मुनफरिद सी बात लगी कि इन्होंने दाढ़ी माशाल्लाह रखी हुई, उसके बावजूद इनके इतने लंबे सुनहरी बाल भी है, तो मैंने कहा ये बालों के साथ दाढ़ी का क्या कम्बिनेशन है? तो जब मैंने इनसे इसकी वजह पूछी तो इन्होंने बड़ी मुनफरिद सी और अनोखे सी वजह बताई है। वो वजह क्या है ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? दाऊद नाम है। दाऊद साहब कितने साल के हो? मैं 23 साल का। 23 साल के हो आपने, माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, उसके साथ इतने सुनहरी लंबे बाल रखे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैंने मन्नत मांगी थी नवाज शरीफ जब लंदन गया था, मैंने कहा जब तक ये वापस नहीं आएगा मैंने बाल नहीं कटवाने। नवाज शरीफ लंदन से जब तक वापस नहीं आता बाल नहीं कटवाएंगे? बाल नहीं कटवाऊंगा। क्यों, क्या वजह? बस मन्नत मांगी है कि वो इधर से पाकिस्तान का सब कुछ लेके बाहर गया हुआ, जब तक वो वापस नहीं आता तब तक मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, मन्नत मांगी है। अच्छा तो उन्हें तो काफी अर्सा हो चुका है, काफी साल हो गए हैं, तो आपने तब से बाल ही नहीं कटवाए? बाल नहीं तब से कटवाए मैंने, बाल तब से बढ़ाने शुरू कर दिए, जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा तब तक मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। बाल ना कटवाने की क्या वजह है? बस मन्नत मांगी है जब वो वापस आ जाएगा तब मैं बाल कटवा लूंगा, जब तक वापस नहीं आएगा तो बाल बढ़ते रहेंगे, भाई अब 10 साल ना आए मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। तो मन्नत मतलब कहाँ जाके मांगी आपने? वो एक बाबा कहता है बालों वाली सरकार है, उधर जाके मांगी है। बालों वाली सरकार? हाँ जी बालों वाली सरकार। बालों वाली सरकार कहाँ बैठते हैं? ये सांधे वाली साइड पे है। सांधे वाली साइड पे? जी जी बिल्कुल। बालों वाली सरकार का कोई मतलब होएगा ना सिस्टम? बस वो पीटीआई के है, उन लोगों ने कहा कि आप बाल बढ़ाए, जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा तब तक आपने बाल नहीं कटवाने, जब वो आ जाएगा आप बाल कटवा लेना। बालों वाली सरकार जो है वो पीटीआई का है बाबा जी? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। उन्होंने आपको क्या कि बाल लंबे रख रहे हैं? उन्होंने कहा बाल लंबे रखने हैं, ये जब तक नवाज शरीफ वापिस नहीं आएगा आपने बाल नहीं कटवाने। माशाल्लाह क्या बात है, तो इतने सालों से आपने बाल नहीं कटवाए तो आपको कुफत वगैरह नहीं होती? नहीं कोई मसला नहीं होता? नहीं मसला। जुए जुए नहीं पड़ती? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जुए नहीं पड़ती, बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर है, सिल्की बाल है ये देखो माशाल्लाह। क्या बात है, क्या माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह क्लियर बाल है। क्या बात है, बड़े खूबसूरत किस्म के, इतने प्यारे बाल तो लड़कियों के नहीं होते जितने प्यारे आपके। हाँ जी बिल्कुल। क्या लगाते हैं इन बालों में? बस ऐसे ही ये कहता है, केयर इतनी केयर भी नहीं करता, बस ऐसे ही खुद ही ये कहता है बढ़ते जा रहे हैं, मन्नत मांगी है ना तो बस बढ़ते जा रहे हैं खुद ब खुद, नवाज शरीफ की याद में बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी बढ़ते जा रहे हैं, जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा तब तक बाल भी नहीं कटेंगे, वरना ये बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। अगले अगर 5 साल वो नहीं आते तो ये बाल कहाँ तक लें? नीचे तक आ जाएंगे, अब क्या कह सकते हैं, ना वो आएगा ना ये बाल कटेंगे, अगर वो आ जाएगा तो बाल भी कट जाएंगे। उम्मीद है आ जाएगा, नहीं आएंगे तो बाल बढ़ते ही जाएंगे। नवाज शरीफ ने आपकी कैंची लेके आनी है? नहीं कैंची नहीं लानी, कटवाने तो खुद है, लेकिन ये है ना हमारा सब कुछ लेके भागा हुआ है, ठीक है जब आ जाएगा हम भी कटवा लेंगे, जो भी आता है अपना ही बढ़ता है, हमारा तो नहीं ना करता, हम गरीब ही, अब गरीब हो हमें बिस्सी है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताया आपकी मम्मा वगैरह घर वाले गुस्से नहीं होते, ये क्या लड़कियों जैसे बाल रखते? नहीं नहीं वो नहीं गुस्सा होते, वो कहते नहीं, नहीं उनको पता है मन्नत मांगी हुई है, मन्नत मांगी हुई है। बिल्कुल ठीक जी। मुझे ये बताया कि आपको खुद पसंद है ये लंबे बाल रखना? नहीं नहीं पसंद नहीं, बस मन्नत मांगी हुई है, कहते हैं मन्नत मानी हुई है, तो मैं ना हजाम में कुछ दिन पहले जब वो हजाम में गया हूँ कटिंग करवाने के लिए, लेकिन मुझे पता लगा कि ये सऊदी अरब आया हुआ है, मुझे पता लगा कि ये पाकिस्तान वापस आ रहा है, लेकिन वो सऊदी से वापस चले गया, प्लान मेरा फिर कैंसिल हो गया, मैं हजाम वाली दुकान से घर वापस आ गया था, उसी टाइम मेरा था कि चलो ये वापस आ रहा है, कहता है पाकिस्तान वापस आ रहा है तो मैं कटिंग करवाने चला जाता हूँ, लेकिन वो प्लान उसी टाइम कैंसिल हो गया। मतलब जब वो सऊदी आए उमरा करने के लिए तो आप हजाम की दुकान पे पहुंचे? हाँ जी मैं हजाम की दुकान पे पहुंच गया था, मुझे था कि चले आ गया पाकिस्तान, शुक्र इसको दाई तो यही है, मेरी भी मन्नत चले पूरी हो गई है, मैं ये पाकिस्तान आ रहा है, मैं बाल कटवाने चला जाऊँ, लेकिन वो उधर से वापस चला गया और मैं भी घर वापस आ गया था। मेरा पेट्रोल का बाइक का भी खर्चा हुआ, मैं घर कहता उठ के बाइक पे गया हूँ कटिंग करवाने के लिए, लेकिन वो भी प्लान कैंसिल हो गया। बड़ी ज्यादती है भाई लड़के के साथ। मुझे बताएं कि आप मतलब किसी नून लिखी रहनुमा से या कहीं अप्रोच नहीं करते कि भाई मेरे बालों का मसला बना? हाँ जी जाती उम्र काफी बढ़ गया, मैंने उन लोगों को कहा कि बुला ले इनको वापस, ये आएंगे तो मैं बाल अपने कटवा सकूंगा, लेकिन वो भी बस टाइम पे टाइम ले ही जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक। बस तरीक पे तरीक ही डली जा रही है। देखो कब आते हैं, साल को आते हैं, 5 साल में आते हैं, बाल बढ़ते ही जाएंगे ये।
तो ये बाल बढ़ रहे हैं तो इनमें खर्चा भी ज्यादा आता होगा, शैम्पू कंडीशनर सारा जाता है। बस वो पाकिस्तान जब लंदन से वापस आएगा उसी से हम खर्चा लेंगे, क्या कर सकते हैं, वो आगे हमारा खर्चा लेके भागा हुआ है, पूरी पूरी कौम के पैसे लेके भागा हुआ है। ये बालों का खर्चा भी नवाज शरीफ साहब देंगे, नवाज शरीफ भी देगा। मैं आपको बताऊँ आपके बाल जो है ना वो मरियम नवाज से ज्यादा लंबे और ज्यादा खूबसूरत होंगे। अभी तो और होने हैं, मरियम नवाज तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बाल और बड़े होने हैं। वो भी परेशान होगी कि क्या हुआ है, उसको चाहिए अपने बाप को वापस बुलाए। अब कितनी देर लंदन में रहना है। अच्छा तो मुझे बताओ, लड़कियां जो है वो तो लंबे बाल संभाल लेती है, आप लड़के हो आप कैसे संभालते हो फिर इन बालों को? मुझे भी मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है, कहता है कि इसकी केयर करनी, ब्रश करना डेली, जुओं से बचाना इसको, कंडीशनर करना, सब कुछ करना, बाइक पे भी संभालना, सब कुछ करना। लेकिन अब जिद बन गई है एक ना, जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा तब तक बाल नहीं कटवाने। जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा बाल नहीं कटवाने, बाल ऐसे ही रहेंगे मेरे। नवाज शरीफ साहब आपको देख रहे हो या कोई नून लिखी रहनुमा तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई ये कहेंगे उसको जल्दी से वापस बुला लें, जैसे वो लंदन से वापस आ जाएगा बाल कटवा लेंगे हम। यहाँ से उनकी फ्लाइट उतरी, वहाँ से आप वहाँ चले गए हजाम के पास? जी बिल्कुल, मैं बाल कटवाने चला जाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे ही वो कदम रखेंगे पाकिस्तान? हाँ जी, जैसे रखेंगे मैं बाल कटवा लूंगा। फिर जब वो 5 साल बाद आए या 2 साल बाद आए या 10 साल बाद आए, लेकिन वापिस आ जाए। बिल्कुल ठीक। तो अगर इस दौरान आपको कोई रिश्ता वगैरह हो जाता है और दुल्हन की तरफ से डिमांड होती है कि बाल कटाएंगे तो शादी होगी फिर? नहीं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, जब तक वो वापिस नहीं आएगा, मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी लंदन से, तब तक मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। रिश्ते का इनकार कर दूंगा लेकिन बाल नहीं कटवाऊंगा। मेरी कहता है मन्नत है कि नवाज शरीफ वापिस नहीं आएगा जब तक, तब तक बाल नहीं कटवाऊंगा। चले जी, दाऊद भाई, दाऊद भाई की जिद है या मन्नत है, लेकिन बड़ी मुनफरिद थी और अजीबो गरीब सी इनकी जिद बन गई है कि जब तक नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस नहीं आते तब तक मैंने अपने बाल नहीं कटवाने। वैसे माशाल्लाह ये दीन से काफी करीब है, नमाजें मुझे भी पढ़ते सारा कुछ करते हैं, लेकिन एक दिमाग की बात होती है, एक जिद एक मन्नत की बात होती है, वो इनके दिमाग में जो है वो कहीं ना कहीं बैठ गई है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे हमारे पैसे वापस करेंगे तो मैं अपने बाल कटवाऊंगा, वरना मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। और इस वक्त ये अपने बालों में जितना खर्चा कर रहे हैं ये भी हिसाब किताब कर रहे हैं, ये भी कहते हैं जब नवाज शरीफ आएगा उसे सारा सूद समेत कर्जा लूंगा, ये जितना भी खर्चा नवाज शरीफ से लिया जाएगा, ये बालों का खर्चा जो इनके बालों पे हो रहा है ये भी इन्होंने नवाज शरीफ साहब से बस वसूल करना है। तो पता नहीं अब नवाज शरीफ कब आएंगे, कब इनके बाल कटेंगे। माशाल्लाह बाल इनके बड़े सुनहरे थे और जिद इनकी बड़ी अजीबो गरीब सी थी। तो हमने कहा आपको ये वीडियो दिखाई, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे इसी नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।